अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। क्या टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं आप? लाइक्स कमेंट्स के लिए बनाई वीडियो पड़ सकती है महंगी, एक गलती पहुंचा सकती है जेल। टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले हो जाएं सावधान। आजकल सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर वीडियो बनाना एक चलन सा बन गया है। आपने भी टिकटॉक पर कोई न कोई वीडियो बनाया या देखा जरूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान की गई एक गलती आपको जेल पहुंचा सकती है? सलाखों के पीछे खड़े इन युवाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है। दरअसल नौजवान टिकटॉक पर चंद लाइक्स और कमेंट्स पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन दोनों पर भी फेमस होने का भूत इस कदर सवार हुआ कि एक पिस्टल खरीद लाए और टिकटॉक पर उसे लहराते एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया। हमने टिकटॉक पर लाइक और कमेंट्स के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आते हैं टिकटॉक पर जो पिस्टल वगैरह के आते हैं। इससे उन वीडियो को देख के हमको भी सनक चढ़ी कि हम भी वीडियो बनाएं, तो हमने लाइक और कमेंट और फेमस होने के लिए एक पिस्टल खरीदी 25,000 रुपये में और उससे वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि हमें भी कमेंट्स और पहचान मिल सके आगे। वीडियो हाथ लगते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक 32 बोर पिस्टल, 3 जिंदा राउंड, एक बाइक जब्त कर 25 और 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। अभी कानून व्यवस्था की स्थिति के तहत हम सब सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए थे कि कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना हो। तभी हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें दो लड़के अपनी मोटरसाइकिल से हाईवे पर पिस्टल लहरा के एक टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। तो वो वीडियो संज्ञान में आया तो हमने उसे काफ़ी बारीकी से देखा, तो उसमें हमारे थाने के सुठोत गांव में उसकी सर्विस लेन और वो हाईवे दिखाई दिया। जब हमने वहां जाकर भी उससे वेरीफाई किया तो वो हमारी ही सर्विस लेन का वीडियो था। काफ़ी और गहनता से और मुखबिरों द्वारा हमने पता लगाया तो एक सुठोत गांव का ही राहुल करके लड़का है, उसका नाम सामने आया। कल रात्रि में हमें सूचना मिली थी उसके राहुल के जो हाथ है, जो वीडियो में दिख रहा है, उसके हाथ पर राहुल हमें दिखाई दिया। तो उसके तहत हम आगे बढ़े तो राहुल एक सुठोत का रहने वाला था, वो लड़का हमें नज़र में आया। और इसी के तहत हम जब आगे बढ़े तो कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग पिस्टल से एक वीडियो बना रहे हैं। उसकी जब तस्दीक कार्रवाई की गई तो उसमें जो दो लड़कों को गिरफ्तार किया है उनके पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। और जो टिकटॉक वीडियो में मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है हमें, वो मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर ली है उक्त लड़कों से। मंगलवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद एक दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया, जहां दोनों आरोपी अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वहीं पुलिस बाकी युवाओं को ऐसी गलती न दोहराने की सलाह दे रही है।